स्टूडेंट्स, एसएसडीएन प्रोजेक्ट्स में मैं आपका स्वागत करता हूं। आज जिस टॉपिक पर हम बात करने वाले हैं, ये जो प्रोजेक्ट्स हम देखते हैं उनसे थोड़ा हटकर है। ये टॉपिक बेसिकली वर्कशॉप, इंजीनियरिंग वर्कशॉप, आईटीआई या टेक्निकल फील्ड के लोग इस्तेमाल करते हैं। आज हम जिसे देखने वाले हैं वो है आपका कारपेंटरी शॉप। इन्हें जनरली सभी लोग एक ही नाम से जानते हैं, वो है आरी। बट इनके नाम अलग अलग होते हैं, उन नाम को हम उनके काम के आधार पर आज जानेंगे। सबसे पहले मैं आपको ये बता रहा हूँ, ध्यान से देखिएगा इसकी आकृति किस टाइप की, वो देखें। दूसरा, इसका जो बेस पे अगर हम रखते हैं और इसके टॉप को देखते हैं तो ये क्या होता है, स्लोप आकृति जाता है। इसकी पहचान है, ये इसको बोलते हैं रिप्सॉम। इसके टीथ हैं जो इसके दांत जिसको बोलते हैं, ये दांत पीछे की तरफ होते हैं। इसे रिप्सॉम में पीछे की तरफ होते हैं और इसे तब कटिंग करते हैं हम, तो इस पे जो कटिंग करते समय इसका जो है प्रेशर हम रिवर्स में लेते हैं और फॉरवर्ड वाइज में रिलीज करते हुए चलते हैं। इस सॉ को चलाते समय ये ध्यान दिया जाता है। ये सबसे ज़्यादा यूज होती है, इसका इस्तेमाल सबसे ज़्यादा होता है कटिंग करने में। दूसरे नंबर की ये सॉ आती है जिसे बोलते हैं टैनिंग सॉ। टैनिंग सॉ है जो, ये एक ऑपरेशन होता है कारपेंट्री का, उस ऑपरेशन को करने में इस के द्वारा कटिंग करना होता है, इसीलिए इसका नाम टैनिंग सॉ रख दिया गया है। इसके टीथ हैं जो आप देखेंगे कि ये फॉरवर्ड वाइज में है, यानी इसका एक एंगल है, दांतों का जो एंगल है वो बाहर की तरफ है, जिस वजह से है। और इसकी आकृति एक आयताकार आकृति में है, इसे रेक्टेंगुलर बोलते हैं। ये टैनिंग सॉ का इस्तेमाल स्पेशल पर्पस में किया जाता है, जो आगे चलकर आपको वो ऑपरेशन होते हुए आपको बताया जाएगा कि ये कटिंग का यूज़ कहाँ किया जाता है, ठीक है। इसे बोलते हैं टैनिंग सॉ। फिर थर्ड नंबर पे आती है, इसे बोलते हैं कंपास सॉ। ये इसके टीथ बारीक होते हैं, ये छोटी जगह पर कटिंग करने के लिए यूज किया जाता है। ये जैसे कर्व वगैरह बनाते हैं, कोई गुलाई में कटिंग करते हैं, यह छोटी जगह पर इस सॉ का इस्तेमाल किया जाता है, इसे बोलते हैं कंपास सॉ। ये देखने में तो बिल्कुल रिप सॉ के जैसे ही होती है, बस अंतर ये होता है कि ये छोटी होती है और ये बड़ी होती है, ये कंपास सॉ कहलाता है। चौथे नंबर पर फोर, ये आप देख रहे होंगे एक पतली स्ट्रिप टाइप की आकृति में ये सॉ है। इसका नाम है की होल सॉ। इसके नाम के आधार पर ही इसका काम भी है, की होल सॉ। ये की यानी की लॉक की चाबी जहाँ पर लगाते हैं वहाँ पर कटिंग करने के लिए हम ये की सॉ का इस्तेमाल करते हैं। दूसरा नाम होता है इसका पैट सॉ। पैट सॉ मतलब जब आप इसका कोई पैटर्न या उसकी आकृति की कॉपी करना होती है और कटिंग करनी होती है तो उस सॉ का इस्तेमाल किया जाता है, इसका इस्तेमाल करने के। और यही ये सब चीज़ों का नाम हमको ज़रूरत होती है इस टेक्निकल में सही नाम जानने के लिए, कि ये इसीलिए आपको ये बताया गया कि अभी तो बताएगी चार प्रकार के हैं, चारों प्रकार की सॉ को हमको बहुत अच्छे से याद रखना चाहिए। काटने के लिए तो हम आरी बोलकर कुछ भी काट सकते हैं, मगर कार्य के आधार पर, वर्क के आधार पर हम टूल का अगर चयन करते हैं तो हमारा काम सही होता है और टाइम भी बचता है। और सब ये बताना चाहूँगा कि
सबसे ज़्यादा कटिंग के लिए यूज होती है रिप्सो। ये स्पेशल पर्पस में ही यूज होती हैं, इनका एक विशेष वर्क होता है जब इनका इस्तेमाल किया जाता है, मगर सबसे ज़्यादा यूज़ की जाती है रिप्सो। और भी आगे टूल्स बताएंगे जो कारपेंट्री के, ये कटिंग से संबंधित टूल था जिसे हम आरी या सॉ कहते हैं। और चारों के नाम मैंने आपको बताया है और ये इनको विशेष ध्यान में रखें। ये ठीक, बंद कर।